ओम शांति। पहली जनवरी 2021 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न: हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर: मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया है, ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कह तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए, ये कोई भी नहीं जानते,
हैं तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नर्कवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। ये भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए, पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है, आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके, आत्मा जानती है। हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं, अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। इस स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है, कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कहीं तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया, वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले झूठा काम करने वाले हैं वे थर्ड ग्रेड बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए योग बल ना होने कारण
इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वे कहते हैं, पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। ये है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको, ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्प की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है। यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती है, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है। भौं भौं करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं, तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वे तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हों
तो मनुष्य ढेर हो जाएं। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं, महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइस लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भाव। स्पष्टीकरण, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं, वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। विशेष नोट, यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है, मन और मुख का मौन रखना है। ओम शांति।